चलो देखो, आज के टॉपिक बहुत खतरनाक है वैसे, भोजन और पोषण। ठीक है, हमें पढ़ना भाई भोजन क्या होता है, पोषण क्या होता है। आराम से पढ़ेंगे, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो, एकदम जबरदस्त है ना। देखिए भोजन क्या होता है, मैंने यहाँ दिखा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि भोजन क्या होता है, पोषण क्या होता है। तो भोजन क्या होता है, आपको मालूम है, जिस प्रकार से किसी मशीन को चलाने के लिए, मशीन देखा है, अरे भाई इंजन देखो चलता उलता है ना, जैसे इंजन चलाने के लिए या किसी मशीन को चलाने के लिए तेल, डीजल, पेट्रोल आदि की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। तो हमारे मशीन या किसी जीव के शरीर को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो। और वो ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, भोजन से मिलती है, समझ रहे हो। तो आप कह सकते हैं कि शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए, या जब शरीर की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, भोजन से। अब बात करते हैं कि भोजन कहते किसे हैं, तो वह भोज्य पदार्थ जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, भोजन। वह भोज्य पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। अब समझते हैं पोषण, बहुत अच्छा टॉपिक है ना। पोषण क्या होता है कि शरीर, जैसे मान लेते हैं कि आपके शरीर को, मान लेते हैं आपके ब्रेन को या आपकी आंख को या किसी भी अंग को प्रोटीन की जरूरत है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, दाल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है भाई, दाल में। याद रखना, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, दाल में। दाल खाया करो। और दूसरे नंबर पे आता है भाई क्या, सोयाबीन। क्या होता है, सोयाबीन। तो अगर आपके ब्रेन को या आपके शरीर की किसी क्रिया को चलाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, तो मान लेते हैं आपके दिमाग को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो ऐसा थोड़ी कि खोपड़ी खोला एक बल्टी दाल डाल दिया, ऐसा नहीं ना, या इंजेक्शन से दाल को चढ़ा दिया गया भाई ले प्रोटीन, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या होता है कि पोषण क्या होता है कि हम जो भोजन खाते हैं वो सीधा कोशिकाओं तक नहीं जाता, समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोशिका क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। जैसे ये आपका घर है, ये किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे बालू के कण, फिर ईंट है ना, सीमेंट, समझ रहे हो ना। वैसे ही आपका शरीर किससे मिलकर बना है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, तो कोशिका से मिलकर बना हुआ। किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से। कोशिका के बारे में सबसे पहले मालूम है आपको, कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो सब कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट हुक ने बताया था सन 1665 ईस्वी में। याद रखना, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले है ना, तो किसने किया था, प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था, लेकिन है ना, लेकिन क्या उसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665। अब समझते हैं पोषण। तो ग्रहण किए गए भोजन का सीधे शरीर की कोशिकाओं में उपयोग नहीं किया जाता। मतलब जो आप खाना खाते हैं, ऐसा नहीं कि मान लेते हैं, मैंने आपको बताया ना, जैसे आपके ब्रेन को या आपके दिमाग को किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने खाना खाया तो प्रोटीन का पाचन चढ़ जाएगी, चल गया दिमाग में, ऐसा नहीं होता है ना। ये विधियां देखिए, नीचे मैंने लिखा ना पोषण की विधि कौन कौन सी है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। चलिए जब लास्ट में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप कहेंगे कि पोषण क्या होता है, तो भोजन मनुष्य द्वारा या किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का सीधे कोशिकाओं तक उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न क्रियाओं, कौन कौन विभिन्न क्रिया, यही अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप आवश्यक पदार्थ का आवश्यक अंग तक पहुंचना, जिस अंग को जिस चीज की जरूरत है उसे वहां तक पहुंचा देना, क्या कहलाता है, पोषण। क्या कहलाता है भैया, पोषण। क्लियर हुआ, तो आवश्यक पोषक पदार्थ का आवश्यक अंग तक। मान लेते हैं हाथ को प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन को कहां पहुंचाना, हाथ तक पहुंचाना। और कैसे पहुंचाना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हथवे को प्रोटीन दे देना है ना, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप। ऐसा नहीं कि आप खाना खाते हैं तो खाली खाना खाते, बचपन में कहा जाता था, कहानी सुना जाती, पेटवा के अंदर मफीन लगी है, आपको बताया जाता था ना कि बचपन में कि पेट के अंदर मफीन लगी, वो कुछ पीस पीस महीन करती है, आटा चक्की नहीं लगी है ना। अब आप जैसे जैसे चले, मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, आपको मिलता जाएगा, ठीक है, सातवां देखो ना आप। चलो देखो, अब क्या है, पोषण समझ गए कि आप कहेंगे कि मनुष्य द्वारा या किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का सीधे शरीर की कोशिकाओं में ना, सीधे शरीर की कोशिकाओं में उसका अवशोषण या उसका उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप आवश्यक पदार्थ का आवश्यक अंग तक पहुंचना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अगला पॉइंट समझते हैं, जीवन की प्रक्रियाएं।
जीवन की प्रक्रिया क्या है, है ना। तो जीवन के देखिए, जीवन में आप जो कुछ भी करते हो, समझ रहे हैं, जीवन में आप जो कुछ भी करते हो वो क्या कहलाएगा, जीवन की प्रक्रियाएं। खाना खाते हैं तो खाना क्या हुआ, एक प्रक्रिया। बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, वो क्या है, प्रक्रिया। सोते हैं, वो क्या है, प्रक्रिया, है ना। तो जो कुछ आप करते हैं वो क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पोषण समझ लिया, तो ये देखिए जीवन की प्रक्रिया तो एकदम लाइटली हल्के में समझ लीजिए कि क्या होता है, जो कुछ जीव करता है वो जैविक प्रक्रिया, जीव जो कुछ भी करे वो जैविक प्रक्रिया। चाहे आप सो रहे हैं तो सोना क्या है, जैविक क्रिया। नहा रहे हैं तो नहाना क्या है, जैविक। जीव द्वारा की गई क्रिया या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैविक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे वृद्धि, भोजन, नहाना, सोना, दौड़ना, समझ रहे, गाली भी दे रहे हो तो वो क्या है, जैविक प्रक्रिया। गई गरिया की स्टैंड मुझे गाली देगा, ये कुर्सी गाली देगी नहीं ना। तो जीव किसे कहते हैं, जिसमें जीवन हो। तो जब कोई जैविक, जैविक का मतलब जिंदा चीज, जो जीवित चीज है वो जो कुछ भी करती है उसे क्या कहते हैं, जैविक प्रक्रिया। पोषण, पोषण क्या होता है, पोषण जान गए। अब पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण हमें कितने प्रकार के पढ़ने हैं, हमें दो प्रकार के पोषण पढ़ना है। पोषण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है स्वपोषी, मतलब अपने आप, ऐसे जीव जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। और वे जीव जो भोजन के लिए पर पोषण ना, जो दूसरों पर निर्भर रहते भोजन के लिए, वो क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। तो ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो स्वपोषी कहलाता है। समझते हैं स्वपोषी की विधि, तो केवल पेड़ पौधे होते हैं भैया स्वपोषी, और उनकी विधि क्या है, बनाने की विधि कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण। इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए ये हो गया आपका पौधे का तना, ठीक है, ये हो गई पत्ती, मैं कभी आपको पत्ती के बारे में पढ़ा दूंगा, ठीक है। केवल हमें पत्ती तक ही समझना है ना, पेड़ की तो बात ही छोड़ देते हैं। क्या होता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो पौधे की जड़ है ना, जमीन के अंदर से क्या लेके जाती है, भाई ये सब क्या है, ये जड़ है। जमीन के अंदर से क्या लेके जाता है, खनिज लवण। क्या, खनिज लवण। खनिज किसे कहते हैं, देखिए जो जमीन के अंदर से जितनी चीजें निकाली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, खनिज लवण। खन के निकालने वाली है ना, खुदाई करके है ना, तो खनिज लवण। और क्या लेके जाती है, जल। पत्ती, पत्ती हरी क्यों होती है भाई, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। और अब समझिए पत्ती के भाग समझिए, पत्ती में क्या क्या पाया जाता है। देखिए ये है आपकी पत्ती, इसलिए बड़ा बनाया हूं ताकि आप समझ जाएं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, रंध्र बोला जाता है। और इसके नीचे और एक छोटे छोटे धब्बे जैसी संरचना होती है जिसे बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है भाई, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखिए पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, तो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है विटामिन डी। कौन सी विटामिन भाई, विटामिन डी पाई जाती है। तो पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और जमीन के अंदर से उनकी जड़ क्या लेके गई भैया, पानी। क्या लेके गई, पानी। अब क्या होता है, जड़ जो पानी लेके आती है उसे यहाँ रंध्रों पे रख देती है, रंध्रों तक लाती है और यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है और क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ समझ जाइएगा। तो CO2 वायुमंडल से पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते भाई,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा पौधे जमीन के अंदर से क्या लेके आते हैं, जल H2O, और बनाते क्या भैया, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, और कौन सी गैस छोड़ते हैं भैया, O2 O2 गैस को मुक्त करते हैं, और इसी ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। सभी जीवों के लिए प्राण वायु का काम कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन। केवल पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटा क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, हम काटते रहते, समझ रहे हैं ना। आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है उनके अगल बगल कौन से पेड़, जितने दुधारू पेड़ है जैसे बरगद हुआ, पाकड़ हुआ, गुल्जर हो गई, है ना, पीपल हो गई, ये सब क्या है, ये ऑक्सीजन देते हैं केवल। आपने कच्चा, आप बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में आपको सुनाया जाता रहा होगा कि भैया हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, जैसे नीम का पेड़ हम लोग सो जाते हैं, आम का पेड़, तो रात में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सभी जीवों के लिए प्राण वायु का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, समझ गए। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देता है, पीपल का पेड़, ठीक है। आप देखिए तो प्रकाश संश्लेषण कैसे पौधे करते हैं, तो पौधे वायुमंडल से हमारे द्वारा या जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को और जमीन के अंदर से उनकी जड़ खनिज लवण और पानी को लेकर जाती है, जहां उनकी पत्ती के रंध्रों से क्या पानी मिलता है, और नीचे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे क्रिया करके क्या बनाते हैं भैया, ग्लूकोज बनाते हैं, जल बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं। यही है प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं भैया, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। विधि मैंने आपको बड़े आराम से समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। देखो भाई, सूर्य का प्रकाश गया पत्ती पे, क्या पड़ा, पत्ती के रंध्र पर, यहाँ पौधे क्या लेके गए, जल, यहाँ से जल लेके गया, यहाँ पत्ती पे रख दिया, और पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। यहाँ सूर्य का प्रकाश हो गया, यहाँ क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया, क्रिया करके क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। और आपको जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज की जरूरत है, एनर्जी की ही जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी आपको मिल गई, और पानी वो छोड़ देता है, ऑक्सीजन गैस छोड़ देता है, और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम कर लेते हैं जिंदा रहने के लिए, सांस लेते हैं उसी से, समझ गए। अब भैया समझो परपोषण। प्रकृति में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। भैया केवल पृथ्वी पर पेड़ पौधे ही एक ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, और पृथ्वी का हर जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए किस पर निर्भर है, पेड़ पौधे पर। किस पर, पेड़ पौधे पर। सभी इंडक्ट, आप कहेंगे सर जी दूध तो मेरी भैंस देती है, तो आपकी भैंस क्या खाती है, घास खाती होगी, तो घास क्या है, एक वनस्पति है ना। आप कहेंगे नहीं मैं बाजरा खिलाता हूँ, तो बाजरा क्या है, बाजरा भी तो एक वनस्पति है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वो भी तो एक पौधा ही है। आप जो कुछ भी खिलाएंगे, बरसिंग काट के खिलाएंगे, धान काट के खिलाएंगे, सब क्या है, पौधे हैं ना। तो आप एक कहें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या है, वो जुड़ा हुआ है, समझ रहे बात को। अब क्या होगा, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, परपोषी कहा जाता है। और ऐसा पोषण जो हमें दूसरों से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। मतलब पर मतलब दूसरों से, पोषण जानते ही हैं, दूसरों से प्राप्त पोषण जब हम अपने स्वतः ना बनाकर, आप कहेंगे हम खाना अपना खुद बनाते नहीं, आप खाना पकाते हो, बनाते नहीं हो, समझ रहे। बनाने का मतलब अपना खाना खुद, ऐसे धूप में खड़े हो जाओ तुमको एनर्जी मिल जाए तब वो आपका खाना है। प्रकाश संश्लेषण हम करते हैं, नहीं करते। तो वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं परपोषी कहलाते हैं, और किसी जीव द्वारा दूसरों से भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। अब कितने प्रकार के परपोषी जीव होते हैं वो समझ लेते हैं। पहला होता है मृतपोषी। पहला क्या होता है, मृत। वे जीव जो मृत है ना, वे जीव जो मृत जीवों से, सड़े गले टहनियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया, वो क्या कहलाते हैं, मृतपोषी कहलाते हैं। जो सड़े गले जीवों से अपना भोजन क्या कर लेता भैया, प्राप्त कर लेता है, वो क्या कहलाता है, मृतपोषी कहलाता है, ठीक है। और तो कुछ ना है, चलिए ठीक है ना। ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करता है, दूसरों से प्राप्त करता है, दूसरों के साथ, जैसे मृत जीवी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। आपने देखा होगा ये बरसात का सीजन चल रहा है,
कोई लकड़ी होगी सड़ गई होगी ना, अब उस पर क्या निकल जाता है, उस पर ये छतरिया वाला क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता, है ना, या फफूद, है कि नहीं। ये क्या करता है, देखिए ये क्या काम करता है, अब जो तुम लोग सोच रहे हो ऐसा है नहीं, इसका खाली नाम ऐसा है। ये क्या है, परजीवी है। ये अपना पोषण कहाँ से ले रहा है, इस मरे हुए पदार्थ, इस लकड़ी से, मृत पदार्थ से अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है। फफूद लग जाती है ना तुम्हारे अचार में भी, फफूद लग जाती है, तो वो क्या करता है, वो मरे हुए पदार्थों से, ऐसे ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है, मृतपोषी कहलाता है। और इसके बाद दूसरे की बात हम करते हैं, दूसरा क्या भैया, दूसरा है परजीवी, वह जीव जो जीव उस मतलब ऐसा जीव, देखो आपके घर सब्जी रख बनी पड़ी है और आप जाके दूसरे घर से मांग के खा रहे हो तो आप क्या हो, परजीवी। लेकिन आप चाहते तो अपने घर वाले खा लेते, आप ललचाहा हो, आप नहीं खाना चाहते। अब एक तो पेड़ है जिसका नाम मैं बता रहा हूँ आपको, अमर बेल, क्या बता रहा हूँ, अमर बेल। ये क्या करता है जानते हैं ये इसको आधा कहेंगे स्वपोषी है, आधा कहेंगे परपोषी है। क्यों, क्योंकि ये पौधा ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन तो बना लेता है, लेकिन ये क्या करता है, अमर बेल, अब इसके अगल बगल जितने पेड़ रहते हैं ये उनके ऊपर क्या करता है, फैल जाता है पूरी तरह से उनकी पूरा, नहीं जैसे आप, जैसे कोई पेड़ है उसके चारों तरफ फैल जाता है पूरा, उसके ऊपर पूरा फैल जाएगा। अब उस वो जो खाना बनाता है वो उसको लेता रहता है, लेता रहता है। वो चाहता तो अपना भी खाना बना सकता था, लेकिन वो दूसरों से भी अपना भोजन लेता रहता है। तो वह जीव जो भोजन किससे लेता है, दूसरों के शरीर पर दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। क्या कहते हैं भैया, पर देखे, मृतपोषी वह जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है वो क्या है, मृतपोषी। और परजीवी जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, दूसरे के साथ, आप अगर चाहे अमर बेल चाहे तो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, लेकिन वो नहीं बनाता। जगह चोर होते हैं ना कुछ, मम्मी वाला खाएंगे उसके घर से, उसके घर पुदीना बना है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहते तो क्या कर सकता, वो अपना भोजन बना सकता था, लेकिन वो नहीं बनाता। वो जैसे अमर बेल, वो क्या करता है, अपनी डाल अपना अपने शरीर को पूरा क्या करता है, दूसरे के ऊपर हावी कर लेता है और उससे अपना भोजन लेता रहता है, लेता रहता है। तो उसे क्या कहेंगे, पर तीसरका देखो, सहजीवी। ये वो तो भैया था किसी को ऊपर, ये किसी के साथ हमें रहता है। चलो तुम्हारे जब वो हम बैठा रहेगा, चलो तुम्हारे तुम बिस्कुट रखे हो, निकल निकल खाता रहेगा वो, है ना। जैसे लाइकेन और फफूद, कौन कौन सा, लाइकेन और फफूद। आप देखो, अगर आप लाइकेन को देखेंगे ना, अभी आप नहीं, आप जब कक्षा 12 कक्षा 11 में जाएंगे आपको लाइकेन की पूरी व्याख्या मिलेगी। कक्षा 11 आपको मिलेगी, पूरी व्याख्या मिलेगी, समझ रहे हो। जब आप कक्षा 11 में जाएंगे तो आपको लाइकेन के बारे में पूरा समझाया जाएगा विस्तार से। अगर लाइकेन फफूद को आप कभी एक साथ देखेंगे, समझ रहे हो, लाइकेन फफूद एक साथ देखोगे तो आप नहीं बता पाओगे कौन लाइकेन है कौन फफूद है। ये दोनों एक दूसरे के इतने घनिष्ठ हैं, सहवासी, साथ में रहने वाला, जैसे आप लोग कहते हैं सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, वैसे होते हैं ये सहवासी। ये एक दूसरे में क्या करते रहते हैं, पूरी तरह से घुले मिले रहते हैं। आप बता ही नहीं पाओगे भैया कि कौन सा कौन लाइकेन है, कौन सा क्या है, फफूद है। ये आपस में इतने अच्छे तरीके से क्या रहते हैं भैया, मिले रहते हैं। चलो अब देखो क्या करता है लाइकेन और दूसरा क्या है, फफूद। होता क्या है कि लाइकेन, अब ये एक दूसरे को सहारा भी देते हैं, ऐसा नहीं कि खाली मैं मजबूत हूं तुम मेरा खून पी लो, अब तुम कमजोर हो तो मैं तुमको कुछ ना कहूं, भाई अब तुम कमजोर हो, ऐसा नहीं। लाइकेन फफूद को फायदा देता है और फफूद लाइकेन को फायदा देता है। देखिए जो लाइकेन जो फफूद है वो लाइकेन से क्या लेता है, नाइट्रोजन मुझे दे दो, है ना। क्या करता है लाइकेन जो फफूद है वो लाइकेन से क्या ले लेगा, मुझे नाइट्रोजन दे दो, और जो लाइकेन है फफूद से कहेगा मुझे थोड़ा सा भोज्य पदार्थ दे दो। दोनों अपने में बदलावन कर लेते हैं, मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। वो उसे क्या कर देगा, नाइट्रोजन दे देगा, वो उसे भोज्य पदार्थ दे देगा, दोनों मिला के अपना खाना अपना काम चलाते रहते हैं। तो रोटी लेके आए, मैं रसगुल्ला लेके आया, चल तोड़ तोड़ खाया जाए, होता ना समोसा तुम लेके आओ, आप बांट के खाते हैं ना, तो वो क्या है, वो सहजीवी है जो किसी जीव के साथ। आगे आप देखो कीट भक्षी, आपने पेड़ देखा है हमारे यहाँ तो इधर उधर शायद ही दिखता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, मतलब कीट
किरौना उरौना समझ रहे हो ना, उनको खाने लगते हैं। कैसे खाते हैं देखो, इसको मिटा देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छा। अब देखो पहला वाला है घटपरड़ी, है ना। देखो घटपरड़ी कैसा होता है, कक्षा 11 को मैं पढ़ाया था, आप लोग थे नहीं। ये ऐसा होता है और ये देखो घटपरड़ी है ना, कीट भक्षी। ऐसे पौधे क्या करते हैं, अब देखो ये क्या काम करता है। ऐसे पौधे क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो जानते हैं कोई ऐसा जीव नहीं जिसके पास नाइट्रोजन ना। अब क्या होगा, अब यहां से कोई जीव जाता है, ये इनका देखो ये जो ये झोला दिख रहा है तुमको ना, ये जो झोला दिख रहा है ये इसका फूल है। ये क्या है, फूल है। अब क्या होता है कि जैसे इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे ही इसमें इसमें से सुगंध आती है, और अम्ल समझते हो ना, अम्ल अम्ल तेजाब जैसी संरचना, तेजाब जानते हो ना। तेजाब क्या, अम्ल दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रबल एक होता है दुर्बल, है ना। तो जो कमजोर अम्ल होता है, जो मजबूत वाला होता है, तो इसमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है, तेजाब पाया जाता है। तेजाब अगर आपकी स्किन पे गिर जाए तो जल जाएगी आपकी स्किन। इसमें हल्का हल्का तेजाब पाया जाता है, ज्यादा नहीं, दुर्बल अम्ल कह सकते हैं। अब क्या होता है कि जब कोई जीव इस पर बैठता है, समझ रहे, और इसमें छोटे छोटे क्या लगे रहते हैं, रेशे लगे रहते हैं, रेशे, रेशा समझते हो, जैसे आपके नाक में बाल है ना। वो क्या काम करता है, वो बाहर से कोई कचरा आपकी नाक में जल्दी नहीं जाएगा, अगर बाल नहीं, अगर बाल नहीं होता तो पता चला धसरा के चला जाता वो अंदर, है ना। चलिए वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। अब इसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं बाबू। क्या पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं। होता क्या है कि जैसे ही कोई जीव यहाँ पर जाता है और ढपाक से क्या करता है, यहाँ गिर जाता है, और ये रेशे क्या करते हैं, ये रेशे इसे नीचे जाने में सहायता करते हैं, या इसे इसे ऊपर से ऊपर बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, और ये कहाँ चला जाता है, यहाँ नीचे चलाता है जहाँ पे क्या रहता है, अम्ल रहता है, और वो जीव का वहीं पे पाचन हो जाता है, जीवे पच जाता है, समझ रहे हैं, उस जीव का पाचन हो जाता है, और ढक्कन धपाक से क्या होता है, बंद हो जाता है। ये पत्ती जब पत्ती जैसी संरचना रहती है, ऐसे ये खुला ऐसे बंद हो जाना है, निकलोगे कैसे, अगर उड़ने वाला होगा तो जैसे जाएगा अंदर जाएगा तब तक पत्ती बंद हो जाएगी। अब उड़ो वहीं अंदर वहाँ उड़ो, 5 मिनट उड़ोगे जब दर्द करने लगा, गिरोगे ढपकते, जब गिरोगे ढपकते तो क्या होगा, है ना, समझ रहे हैं। अब वैसे ही दूसरा होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, देखिए ये क्या होता है, अंगुली जैसी संरचना होती है। अब इसमें क्या होता है, ऐसी संरचना, ठीक है। अब ये वाला ये पूरा ऐसे, दोनों पूरा ऐसे खुलता है, ये देख रहे हो ना, ये ऐसे खुलता है, और यहाँ पे क्या लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, कांटे। अब ऐसे खुला रहेगा, अब इसमें से सुगंध आएगी, और इसमें भी अम्ल पाया जाता है, तो जब कोई जीव उस अम्ल को सूंघते हुए या सुगंध को सूंघते हुए कहाँ पहुंचेगा, इसके अंदर पहुंचेगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बंद होगा, धड़ा के बंद कर देगा, और कांटे रहते हैं, पता चला यहाँ अच्छा यहाँ तो छेद, यहाँ तो कांटा गया, इस पार निकल गया इधर से। अब भाई मैं थोड़ी जाकर उसमें बैठ पाऊंगा, मैं बैठूंगा टूट जाना है, वो जो छोटे छोटे जीव बैठते हैं तो उनके शरीर को क्या करेगा, वो आर पार कर देगा, और फिर उनका क्या हो जाना है, पाचन हो जाएगा। तो ऐसे कीटभक्षी पौधे भी पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन की कमी से, कमी होने पर क्या करते हैं, जीवों को क्या करने, जीवों को खाने लगते हैं, भक्षण करने लगते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण तो करते ही रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कीटों को भी खाते हैं। क्यों खाते हैं, नाइट्रोजन की पूरी, सॉरी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, क्या करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कीटों को खाने लगते हैं। आप तो कोई पूछेगा दो कीट भक्षी पौधों के नाम बताओ, तुरंत बताना, घटपरड़ी और वीनस फ्लाई ट्रैप। घटपरड़ी और वीनस फ्लाई ट्रैप, फटाक से बता दीजिएगा। आगे बात करते हैं पौधों में पोषण की अधिग्रहण विधि। अब पौधे अपने भोजन को अलग अलग जगह कैसे पहुंचाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके कैसे पहुंचाते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर, भैया हमें चोट लग जाती है तो हमारे पास खून है, है ना, हम लोगों में किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम खून कर देता है, सूचना का पहुंचाने का काम तंत्रिका तंत्र कर देता है। पौधों में कौन काम करता है भाई, पौधों में उस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेके जाता है, तो पौधों में दो चीजें होती है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। देखिए जाइलम क्या काम करता है, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, तो जाइलम जमीन के नीचे से पानी को ले जाके पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। और पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। एक तरह से समझ लो दो भाई हैं, एक का नाम जाइलम एक का नाम फ्लोएम। एक जो कुछ लकड़ी जुटा के लाया है जगह जगह से, ना लकड़ी राशन पानी सब जुटा के लाया, कौन लाया, जाइलम। जमीन के नीचे से खनिज लवण और पानी कौन जुटा के लाया, जाइलम। और उसके बाद पत्ती, रसोई घर, पत्ती
पत्ती को पौधे का क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपका खाना कहाँ बनता? हमारा खाना रसोई घर में बनता है। वैसे ही पौधों का खाना कहाँ बनता भैया? पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। तो अब ये प्रकाश संश्लेषण के बाद जो खाना बनता है, जाइलम तो क्या करता है, जमीन के नीचे से पानी और खनिज लवण को लेके पहुंचा देता है। और फ्लोएम क्या काम करता है? उस बने हुए भोजनवा को क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। हम लोगों में जो नस वाहिकाएं नलिकाएं जो काम करती हैं, वैसे पौधों में जाइलम और फ्लोएम काम करते हैं। इनको हल्का हल्का केवल समझ लीजिएगा। पोषण की प्रक्रिया, पोषण कैसे प्राप्त होता है? तो पहले भोजन का अंतःग्रहण, भोजन को जिह्वा पर रखना, डपाक से अंदर कर देना। क्या है? भोजन को अंदर करना, शरीर के अंदर प्रवेश कराना क्या कहलाता है? भोजन का अंतःग्रहण। और पाचन बहुत आसान, जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदलना। आप रोटी कठोर कठोर खाते हैं, कितनों कलेर समोसा बना दे पहुना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना, एकदम कूच कांच के एकदम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। और शरीर में क्या है, हमारे शरीर में क्या है, जठर रस बचा पड़ा है ना, अग्नाशयी रस पड़ा है, उसको गला गला के क्या कर देगा, महीन बना देगा। तो जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इसके बाद दिया है कि अवशोषण, पाचित भोज्य पदार्थ को तरल रूप में, है ना, जो भोजन पच गया इसको क्या कर देना, खून में मिलाना तरल बनाकर। समझ रहे? जो पाचित भोजन है, जिस भोजन का पाचन हो चुका है, उसे क्या करना, तरल बनाकर भोजन में, सॉरी रुधिर में मिला देना, क्या कहलाता भैया? अवशोषण, सोखना, उसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। इसके बाद दिया स्वांगीकरण, कि अब अवशोषण के बाद जो कण हैं उन्हें कहाँ पहुंचाना, कोशिका तक पहुंचाना। किसके तक पहुंचाना भाई? कोशिका तक पहुंचाना, ताकि कोशिका अपना काम कर सके। भाई आपका ये हाथ है, ये कोशिकाओं से मिलकर बना, जब हर कोशिका तक एनर्जी पहुंच जाएगी तब आपका हाथ पूरा बराबर काम करने लगेगा। समझ रहे? तो अवशोषित भोज्य पदार्थ को कहां तक पहुंचाना? कोशिकाओं तक पहुंचाना भैया क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? श्वांगीकरण कहलाता है। आगे उत्सर्जन की बात कर लेते हैं, तो अपशिष्ट पदार्थों को, दो मिनट, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना, शरीर से बाहर निकालना। अब जब आप सारा खाना जब पाचन वचन हो जाता है ना, तो हमारे शरीर में कुछ खराब पदार्थ बचते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर, समय समय पे खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? उत्सर्जन कहलाती है। इस पॉइंट को हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, बेस्ट ऑफ लक।